बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज की जो खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले बात आती है आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के आरोपी प्रभावी प्रधानाध्यापक, जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक, इंचार्ज हेडमास्टर है, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये मामला है वाराणसी का, और वहाँ पर देवी दुर्गा व ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के आरोपी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुंवरपुर की प्रभावी प्रधानाध्यापिका निर्मला देवी को बीएसए ने मंगलवार को निलंबित कर दिया है। तो उन पर जो आरोप था वो ये था कि उन्होंने एक पोस्ट ऐसी वायरल की थी। तो रविवार को वह पोस्ट का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व सेंट्रल बार के पूर्व उपाध्यक्ष शशांक शेखर त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री सहित डीजीपी व जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की और उचित कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने जांच का आदेश दिया था। खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर व खंड शिक्षा अधिकारी चिराईगांव व वीईओ आराजी लाइन को संयुक्त रूप से इसकी जाँच की। जाँच में प्रकरण सही पाए जाने के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। चलते नेक्स्ट, जो दूसरी खबर है महत्वपूर्ण, शैक्षिक ब्यौरा अपलोड नहीं करने पर शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों का वेतन मानदेय रोकने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो शैक्षिक अभिलेख हैं उनको अपलोड नहीं किया है, उनके लिए ये चेतावनी जारी कर दी गई है। मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षणिक विवरण अपलोड नहीं करने वाले बीईओ शिक्षकों का बीएसए ने अगस्त माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। जनपद के तमाम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक विवरण अपलोड करने में लापरवाही बरत रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जिले के प्रसिद्धी विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने उनके समस्त शैक्षिक अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों को निर्देश दिया था। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों व नगर शिक्षा अधिकारियों को 13 नवम्बर 2020, 23 दिसंबर 2020, 1 मार्च 2021 को पत्र भी प्रेषित किए थे। बीएसए आरके सिंह ने कहा कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों व शिक्षकों को अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है, अन्यथा अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। चलते नेक्स्ट एक और खबर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा परिषद प्राइमरी के किताबों का विवरण देख लें और याद कर लें, कोई भी अधिकारी इन किताबों का नाम पूछ सकता है। तो जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए हैं विशेष तौर से, तो उनको बड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लें। जैसे कि कक्षा 1 में यदि हम देखें, जो हिंदी की बुक है उसका नाम कलरव रहेगा। कक्षा 2 में वही हिंदी की बुक का नाम किसलय हो जाएगा। कक्षा 3 में पंखुड़ी हो जाएगा। कक्षा 4 में फुलवारी हो जाएगा। और कक्षा 5 में वाटिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप देखो तो पांचों क्लास का नाम जो बुक है हिंदी की वो बदल चुके हैं। अलग कक्षा 1 की कलरव नाम से ही आती थी, वो भी आती रहेगी। उसी प्रकार से गणित में अगर देखें तो कक्षा 1 में कुछ नहीं है। कक्षा 2 में गिनतारा रहेगी। कक्षा 3 में अंकों का जादू हो जाएगा। कक्षा 4 में अंक जगत हो जाएगा। और कक्षा 5 में गणित ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत की बात करें तो कक्षा 3 से संस्कृत शुरू होती है, तो इसमें संस्कृत पीयूषम रहेगी। 4 में संस्कृत सुधा हो जाएगी। और संस्कृत जो है कि बुक्स, वो कक्षा 5 में संस्कृत सुबोध ये हो जाएगी। इसके बाद में अंग्रेजी की बात करें, ये भी कक्षा 3 से शुरू होती है, तो अंग्रेजी कक्षा 3 में रेनबो रहेगी। कक्षा 4 में स्प्रिंग हो जाएगी। और कक्षा 5 में पेटल्स हो जाएगी। इसके बाद में हमारा प्रवेश की अगर हम बात करें तो कक्षा 3 में हमारा प्रवेश ही रहेगा। कक्षा 4 में पर्यावरण बन जाएगी। और कक्षा 5 में प्रकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये नाम परिवर्तित किए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके भी अपने पास रख सकते हैं। आगे देखें तो एक और खबर महत्वपूर्ण जो निकल के आ रही है वो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत नव नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को 5 दिवसीय ऑनलाइन बीयू लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इनको 5 दिवसीय ऑनलाइन बीयू लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा और उसे कंप्लीट करना होगा। तो ये है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट
उत्तर प्रदेश प्रयागराज 24 अगस्त को ये आदेश निकाला गया है, जिसमें सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, आजमगढ़, बागपत, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, देवरिया, फिरोजाबाद, एटा, महाराजगंज, मैनपुरी, सीतापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोंडा, संभल, कुशीनगर, सहारनपुर, लखनऊ, रायबरेली, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर, कासगंज, शाहजहाँपुर और सिद्धार्थनगर। तो ये ज़िले हैं जहाँ पर जो नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको ऑनलाइन BEU लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन जो होना है 5 दिवसीय, उसको करने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें यहाँ पर आप संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक के नाम से भी देख सकते हैं, और जिले वाइज सब पूरा डिटेल दिया, ब्लॉक भी दिए गए, नेम दिया गया है। तो 36 लोगों को दिया गया है इस तरीके से, वही सेम इधर भी है, नेम है, ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट है, सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ से जो भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपना समय से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ये ऐसा आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश डॉक्टर सुत्ता सिंह, निदेशक राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेंट, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर लेते हैं। तो यूपी के राज्य कर्मचारियों को 28% DA बढ़ोतरी का शासनादेश जारी हो चुका है। देखिए कब हुआ महंगाई भत्ता और ये कब से लागू होगा, कब से मिलेगा वो भी देख लेंगे। तो सेवा में समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, चाहे वो वित्त अधिकारी, कुल सचिव, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय निकाय, समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत, निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के लिए है। और यहाँ पर जो विषय रखा गया, राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारी कर्मचारियों और UGC वेतनमानों में कार्यरत पदाधिकारों पदधारकों को महंगाई भत्ते का 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर का भुगतान किए जाने के संबंध में शासनादेश ये जारी किया गया है। और यहाँ से आप ये सब कुछ देख सकते हैं, क्या पॉइंट है उनको अब देख लेते हैं। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता जो मूल वेतन है उसमें 17% की विद्यमान दर से प्राप्त हो रहा है, जिसको बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो वृद्धि हुई है वो +11% की वृद्धि की गई है जो जुलाई से लगेगा। इसका मतलब महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान 1 अगस्त 2021, माह अगस्त 2021 का भुगतान माह सितंबर 2021 को दे है और ये नगद दिया जाएगा। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। इसे दिनांक 31 जुलाई 2022 के पूर्व भविष्य निधि खाते से नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS जो होता है उससे आच्छादित अधिकारियों कर्मचारियों के देय महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि है वो उसके 10% के बराबर राशि कर्मचारियों के Tier 1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी और राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान Tier 1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। उक्त अवशेष की शेष 90% राशि संशोधित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को नेशनल पेंशन और सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बिंदु अवगत कराए गए हैं। इसके बाद एक और न्यूज जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 चुनाव ड्यूटी के दौरान जो COVID-19 के कारण संक्रमित हुए और उसी वजह से मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, मतलब बेसिक शिक्षा विभाग के लिए विशेष तौर से ये है, जो भी हमारे शिक्षक साथी या कोई कर्मचारी इस COVID-19 के दौर में अपने परिवार को छोड़कर चला गया उसी को ये धनराशि जो है उसके संबंध में आदेश दिया है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश 1 जून 2021 में दिए गए निर्देश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों को COVID-19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में, तो इसे आप देख सकते हैं। एक और आदेश है, प्राइमरी के अध्यापकों को 5 साल बाद मिलेगा पदोन्नति का तोहफा। उत्तर प्रदेश विद्यालयों के शिक्षकों को करना होगा इंतजार।
तो 5 साल बाद यहाँ पर जो प्रमोशन होने की कगार पर हैं, शायद हो जाएं। 4000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 3 लाख से अधिक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालय में 10,000 से अधिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। 2016 से ही इनकी पदोन्नति नहीं हुई। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्रधान जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की पदोन्नति में वाद लंबित नहीं होने पर उन्हें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिव को मजबूत पैरवी कराकर मामले का निस्तारण कराने के निर्देश दिया है ताकि उच्च प्राथमिक अध्यापकों को भी पदोन्नत किया जा सके। इसके बाद में एक और जो न्यूज है वो है मानव संपदा की वेबसाइट सही ढंग से ना चलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों की मुश्किलें पड़ी। तो लगातार 23 अगस्त और 24 अगस्त को जिस प्रकार से मानव संपदा की वेबसाइट चल रही थी उससे किसी भी शिक्षक का जो पेरोल भरा जाना है वो कार्य नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं 25 को क्या इसकी स्थिति रहती है। मानव संपदा की वेबसाइट सही ढंग से ना चलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को मुश्किलें बढ़ गई हैं। मानव संपदा सभी शिक्षकों को अवकाश मिलता है लेकिन वेबसाइट ना चलने से अवकाश नहीं ले पा रहे हैं, साथ ही साथ पेरोल भी नहीं भर पा रहे हैं, जो कि यही 25 तारीख तक पेरोल भी भरना होता है जो कि 21 तारीख से शुरू होकर 25 तक उपस्थिति जाती है, लॉक होती है। तो इसलिए सभी शिक्षकों का इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं साइट कब तक चलती है सही से, ये तो समय ही बताएगा।